और आज एक बार फिर से रहुआ सबके स्वागत करता नहीं डांस के महासंग्राम नेस्ले एवरीडे डांस संग्राम में। पिछला एपिसोड में रहुआ सब देखनी इस मंच पर 12 योद्धा लोगन के कला के और जे कमजोर 3 योद्धा पड़ल लोग ओकरा के छोड़ के जाए के पड़ल ई मंच। आज भी वही रीत के निभावल जाए। बाकी बचल 12 धुरंधर आज अपने जलवा के देखे हैं और जवन 3 धुरंधर महागुरु के दिल जीते में हो जी है नाकामयाब उनके आज ही छोड़ के मन जाए के पड़े। हमनी के वो 12 योद्धा के बुलावल जाए लेकिन एकरा पहले हमनी के स्वागत कइल जाई हमनी के महासंग्राम के भावी कप्तान हमनी के भोजपुरिया सिनेमा और डांस के रानी संभावना सेठ जी के। और अब बारी बा स्वागत कइला के बॉलीवुड सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी जी के। एगो जोरदार ताली से स्वागत कइल जाओ ए महासंग्राम के महागुरु जकरे इशारा के बिना यहाँ एगो पत्ता ना डोली और जकरे इशारा पर पूरा बॉलीवुड के हीरो हीरोइन लोग ठुमकेला नाचेला वो केहू और ना ही हमार बड़की माई ए महासंग्राम के महागुरु। मेरी रिक्वेस्ट है सब योद्धाओं से कि मैं हवा नहीं हूँ खा नहीं जाऊंगी इसीलिए प्लीज आराम से दिल लगा के डांस करो। मास्टर जी के सामने परफॉर्म करना इजी तो नहीं है लेकिन जब वो खुल के करेंगे डांस तो मास्टर जी की भी उतनी ही तारीफ मिलेगी उतना ही प्यार मिलेगा उनको तो मेरे ख्याल से उनको खुलकर परफॉर्म करना चाहिए। बस सिर्फ 3 एलिमिनेशन की वजह से वो इतना डर कैसे सकते हैं? उन्हें क्यों नहीं लग रहा कि वो बाकी जो बचे हैं उनमें से वो होंगे? अम्मा ने तो कितनों को बोला कि एक्सीलेंट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस क्या नाचती हैं आप तो उन्हें लगना चाहिए कि इफ आई गो ऑन द स्टेज दिस इज द माय ओनली चांस। उन्हें लगना चाहिए कि ये मेरा पहला चांस है जब मैं सरोज जी को जाकर अपना टैलेंट दिखा सकूं और अपने टैलेंट से उन्हें बस दिखा दूं कि ये हूं मैं। अगर ये सोचकर वो स्टेज पर आए तो बात ही कुछ और होगी। मौका मिलल बा तो मौका का फायदा उठावे के चाहिए काहे कि मौका बार बार जीवन में ना मिलेला अगर मौका मिल गई तो एकर भरपूर फायदा उठावा अगर जीवन में आगे बढ़े के बात है। यही उम्मीद और यही आशा के साथ हम बुलावल चाहता नहीं आज के अपने पहिलका धुरंधर के। पतली कमर ले ले सबका खबर नाचे बैसन की बांध दे सबका नजर हम हैं रांची से कोमल। पतली कमर अरे कुछ और सुनाओ भाई और भी कुछ है है? और कुछ मसाला रखी हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो जोरदार पानी से ही तो समझ में आ गई कि यूपी बिहार के दिल का करार तो तू लूट ले लो लेकिन महागुरु का प्यार लूटे में कामयाब भइल कि ना। कोमल वेरी गुड आप बहुत अच्छा नाचे और बहुत नीट एंड क्लीन नाचे। थैंक यू मैम। जैसा स्टाइल चाहिए था गाने को वैसा ही आपने नाचा आपने हम लोगों को लूट लिया। बहुत 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 मुबारक हो यू हैव टेकन फुल मार्क्स। थैंक यू मैम। आज महागुरु का दिल लूटे में भी कामयाब हो गई कैसा लगा था तुके? अब दिल लूट लिए अब सिर्फ मेरे को पैसे चाहिए। जब से मैंने पैसा देना शुरू किया और सीटी मारना शुरू किया हर रियलिटी शो में कोई ना कोई 500 की नोट देता है कोई 100 की नोट देता है दे कीप ऑन कॉपिंग मी वो अच्छा नहीं लगता है इसीलिए अब की बार मैं कुछ नई चीज़ दूंगी आपको जो आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। थैंक यू मैम। फर्स्ट परफॉर्मेंस और आई थिंक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगी। आपका नाम कोमल है लेकिन आप कोमल नहीं
आप में बहुत उम्फ भरा हुआ है. यू आर वेरी सेक्सी ऑन स्टेज. यू हैव अ ब्यूटिफुल बॉडी. थैंक यू मैम. आपने बाकी के 11 कंटेस्टेंट्स की लाइफ मुश्किल में डाल दी. अब हम आपके साथ साथ बाकियों की परफॉर्मेंस भी ऐसे ही देखना चाहते हैं, वरना बेचारों को फुल मार्क्स कैसे मिलेगा जो आप ले गई. थैंक यू मैम. पहिल के परफॉर्मेंस से मंच पे लगा दे ले बा आग, तो काय कर लपट रही बरकरार. जाने खातिर हमनी के बुलावल जाई अपना दूसरा योद्धा के. अपन जलवा बा, बाकी सब हलवा बा. डांस संग्राम जीतब हम, ये हमारे में विश्वास ही नहीं, यकीन बा. हम भी रांची से दीपू सिंह. रांची के लाल, तू तो कर हला कमाल. सुपर्ब. वेल कंपोज्ड एंड वेरी सिंसियर परफॉर्मेंस. हर जगह परफेक्ट. हर स्टैंड आपका टोपे था, जो कि बहुत मतलब तारीफ़ काबिल है. तो शायद मैम आप ये नहीं जानते ये मेरे लिए कितना बड़ा कम्प्लीमेंट है. थैंक यू सो मच. मैं बस थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ मैम, जो मेरे दिल में है. आज मैंने क्या परफॉर्म किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने आज दिल से किया, खुल के नाचा, और सिर्फ मैं अपनी मम्मी के लिए किया. मैं मम्मी से अपना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ. आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं इतना बड़ा मंच में हूँ, आज आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ अपनी मम्मी और अपने भाई की वजह से. मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, मेरे भैया लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को. बस मेरा एक ही इच्छा है कि डांस के लाइन में कुछ करूँ. हमें जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ. मेरे पापा छोटे वर्कर है और मम्मी काम करने के लिए बाहर जाती है, तो मन से यही मेरा शुरू से मोटो रहा है कि मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए घर बनाना है और मम्मी को घर पर बिठाना है. और मेरा एक बार एक मन है कि मैं मम्मी को अपना मुंबई एक बार लेकर आऊँ. मैंने सुना है कि सपना देखने से ज़्यादा जरूरी होता है, सपना साकार करने से ज़्यादा जरूरी होता है सपना देखना. तो मेरी एक दो यही सपना है और मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ. हर किसी के एक एक सपने हैं. हर कोई घर खरीदना चाहता है, घर है तो बंगला खरीदना चाहता है, बंगला है तो गाड़ी खरीदना चाहता है, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है. सपने सबके पास होते हैं, लेकिन ज़रूरी है उन्हें पूरा करने के लिए लगन की. और ये क्रेडिट जो आपने आज परफॉर्म किया, वो क्रेडिट आपको जाता है कि उनके प्यार के साथ साथ आपने लगन दिखाई और लगन के साथ आपने परफॉर्म किया. सो क्रेडिट गोज टू यू एंड ओनली यू. और मेहनत के हमेशा ऐसे ही बरकरार रखा तो हर सपना जरूर पूरा हुई. दीपू, मुझे आपका डांस अच्छा नहीं लगा, मुझे आपका डांस आउटस्टैंडिंग लगा. मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता था. बहुत इतनी खुशी हो रही है देखकर. पहला परफॉर्मेंस इतना अच्छा, दूसरा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस. आई मीन आपकी आपका जो डांस है, आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया, इतना खूबसूरत लगा, इतना बढ़िया लगा आपका परफॉर्मेंस. सुपर्ब. कीप इट अप. थैंक यू. थैंक ऑल ऑफ यू.